चाय बहुत गर्म है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? द टी इज वेरी हॉट या फिर द टी इज टू हॉट? मैं हूं अव्वल और आज के इस इंपॉर्टेंट इंग्लिश लेसन में हम समझेंगे इंग्लिश के तीन कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स वेरी, टू और इनफ के बीच का डिफरेंस। पहले वेरी और टू के बीच का डिफरेंस समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते हो। मूवी हॉल में एसी तेज होता है और आपको ठंड लगती है। आप कहते हो हॉल बहुत ठंडा है, द हॉल इज वेरी कोल्ड। अब आपकी बात से यह तो पता चलता है कि हॉल बहुत ठंडा है क्योंकि आपने बहुत के लिए वेरी लगाया है, बहुत ठंडा, वेरी कोल्ड। पर आपकी बात से यह पता नहीं चलता कि यह बहुत ठंड आपको अच्छी लग रही है या फिर आपसे झेली नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे जैसे बंदे को बहुत ठंड अच्छी लगती है, सो हो सकता है मैं सोचूं कि आपको भी अच्छी लग रही होगी। सो आपको कहना चाहिए था हॉल कुछ ज्यादा ही ठंडा है, द हॉल इज टू कोल्ड। टू कोल्ड मतलब कुछ ज्यादा ही ठंडा है, हालत खराब हो रही है। टू बताता है कि कुछ ज्यादा ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आप और आपका दोस्त एक नई दुकान की जलेबी ट्राई करते हैं और आपको वो जलेबी बहुत मीठी लगती है, कुछ ज्यादा ही मीठी लगती है। अब अगर आपने इंग्लिश में कहा द जलेबी इज वेरी स्वीट, जलेबी बहुत मीठी है, तो हो सकता है आपका दोस्त सोचे कि आप जलेबी की तारीफ कर रहे हो कि जलेबी बहुत मीठी है। पर आप तो कहना चाहते हो कि जलेबी में बहुत ज्यादा चीनी है, हद से ज्यादा मीठी है कि मजा नहीं आया, तो आप यहां वेरी नहीं टू लगाओगे, द जलेबी इज टू स्वीट। क्या सोच रहे हो जलेबी की इंग्लिश? जैसे पिज्जा को हिंदी में भी पिज्जा ही कहते हो, इसी तरह जलेबी को इंग्लिश में जलेबी ही कहोगे क्योंकि ये एक मिठाई का नाम है। बेल्ट बहुत टाइट है मतलब पैंट गिरेगी नहीं, अच्छे से अटकी हुई है, द बेल्ट इज वेरी टाइट। बेल्ट कुछ ज्यादा ही टाइट है मतलब इतनी टाइट है कि चुभ रही है, द बेल्ट इज टू टाइट। ये टू वर्ड बना तो था किसी चीज को नेगेटिव तरीके से बताने के लिए, पर आजकल हम कुछ सिचुएशंस में इसे पॉजिटिव तरीके से भी यूज करते हैं। जैसे कि सलमान खान बहुत ही हैंडसम है, यानी मामूली हैंडसम नहीं, कुछ ज्यादा ही हैंडसम, सलमान खान इज टू हैंडसम। आप लोग भी तो मुझे कॉमेंट्स में लिखते हो सर यू आर टू गुड। आपके टू गुड का मतलब पॉजिटिव होता है कि बहुत ही अच्छे हो। वैसे थैंक यू। हाँ, सो अब आपको वेरी और टू के बीच का फर्क तो पता चल गया, पर अभी हमें इनफ वर्ड देखना है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपका चैनल सब्सक्राइब तो किया हुआ है पर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया होगा जो सब्सक्राइब बटन के साथ बना होता है, सो वो कर लेना। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। मान लो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज खराब हो जाता है और आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो। इलेक्ट्रिशियन आपसे पूछता है कि घर पर तार का कोई टुकड़ा है, फ्यूज पर लगाना है। आप एक टुकड़ा ढूंढ कर ले आते हो और इलेक्ट्रिशियन से पूछते हो इतना काफी है। जब आपने पूछा कि इतना काफी है या इतना बहुत है, तो आपका मतलब यह नहीं था कि इतना बहुत है, आपका मतलब यह था कि जरूरत पूरी करने जितना है, काम चलाने जितना है। इसे हिंदी में कहते हैं पर्याप्त मात्रा में है। इस मतलब से आप इंग्लिश में कहोगे इज इट इनफ, इतना बहुत है। आपकी जिंदगी से जुड़ी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट जाते हो और दाल मखनी ऑर्डर करने की सोचते हो। ऑर्डर करने से पहले आप वेटर से पूछते हो कि क्या एक कटोरा चार लोगों के लिए बहुत है। मतलब वही है कि एक कटोरा चार लोगों की जरूरत पूरी करने जितना है। इज वन बॉल इनफ फॉर फोर पीपल? बाइक में इतना पेट्रोल है कि ऑफिस पहुंचा जा सके, कम नहीं ज्यादा नहीं पर जरूरत पूरी करने जितना। देयर इज इनफ पेट्रोल इन द बाइक टू रीच ऑफिस। क्या तुम्हारे फोन में इतनी स्पेस है कि 2 GB की फाइल आ सके? Is there enough space in your phone to store a 2 GB file?
आप क्रिकेट में सुनते हो, the team has got enough runs on the board. यहाँ board का मतलब scoreboard. टीम ने इतने runs तो बना लिए हैं कि मैच जीता जा सके. इतने runs तो काफी हैं. क्या ये sentences आपके लिए काफी हैं? Are these sentences enough for you? आपके likes ही मेरे लिए सबसे बड़ी motivation है, इसलिए likes भेजते रहना. Best of luck.